हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोन उठाओ प्रतिमा, मैं भी देखती हूँ सियाटी की नौकरी कैसे बचाती है तुम्हें। मैंने कहा था ना बार बार मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। फिर कब तक सब्र करूं मैं, अब और सब्र नहीं कर सकती। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही हैं, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। और ये क्या, यहाँ पर नैपकिन्स नहीं है, कैसा कैफे है ये? सॉरी मैम, मैं देता हूँ। रहने दो, है मेरे पास। क्या चाहिए? कौन है औरत, यहाँ इतना तमाशा क्यों कर रही है? सर असली तमाशा होना बाकी है सर। क्या मतलब? सर उस औरत के बैग में मैंने गन देखा सर। गन? हाँ। क्या कह रही है शांति जी, लोग देख रहे हैं। तो देख रहे तो सबको, आखिर इन लोगों को भी पता चले जो एसीपी उसूलों और सिद्धांतों की बातें करता है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? प्लीज एसीपी प्रद्युम्न ने क्या किया आपके साथ? एक मिनट, अब दखल अंदाजी मत कीजिए, जाइए अपने जगह पर, ये हमारे आपस का मामला है। ये हमारे आपस का मामला नहीं है, अब ये सारे देश का मामला है। हत्यारा है ये मेरे पति का। आप क्या कह रही है शांति जी, मैंने आपके पति को नहीं मारा है, नहीं मारा मैंने आपके पति को। हंसते खेलते जिंदगी थी हमारी, 6 साल दूर रखा तुमने उनको मुझसे, और आखिर एक दिन खबर पहुंचा दी कि वो नहीं रहे, यही फर्ज है तुम्हारा, यही ड्यूटी है तुम्हारी। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है। और फिर मिशन पर जाने से पहले आपके पति को मालूम था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, मालूम था उसे। ये मदद के तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ, प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी भी, मुझे अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी जो आम लोगों की होती है। I'm sorry शांति जी, काश आपने किसी आम आदमी से शादी की होती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम्हारा ये पति एक योद्धा था, एक सिपाही था, जांबाज सिपाही, आपको तो गर्व होना चाहिए उस पर। यूं नहीं जा सकते तुम, मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बन कर रहेगी। अभिजीत, अभी भी उस औरत के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यूं नहीं जा सकते तुम, मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बन कर रहेगी। मरने से पहले कह रही थी
मेरी मौत का बोझ तुम्हारे दिल पर होगा एसीपी प्रद्युमन, सदा के लिए तुम्हारे दिल पर होगा। पता नहीं अभिजीत, और कितनी मौतों का, कितनी लाशों का बोझ मेरा दिल उठा पाएगा भी या नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत ये उसी शांति का पति है, उस औरत का, और ये एक हमारा अंडरकवर ऑफिसर था। अंडरकवर ऑफिसर? हाँ अभिजीत, एक बहुत ही खास बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, और शांति की मौत उसी बात से जुड़ी हुई है। वो बात जो पिछले 6 सालों से मेरे दिल में दफन है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ऑपरेशन डेमिंगो। ऑपरेशन डेमिंगो, ये क्या है, कोई खास मिशन है क्या सर? अभिजीत, ऑपरेशन डेमिंगो एक खास मिशन है। इस मिशन में हमारे अंडरकवर कॉप्स गैंगस्टर्स बनकर क्राइम सिंडिकेट्स में, गैंग्स में घुस गए हैं और खास इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं उनके बारे में, ताकि हम इस क्राइम की दलदल को साफ कर सके। 6 साल पुराना मिशन सर, आपने कभी इसके बारे में हमें बताया नहीं? वो इसलिए नहीं बताई अभिजीत क्योंकि वो बात टॉप सीक्रेट थी, और आज भी उतनी ही टॉप सीक्रेट है। अभिजीत, मैं जो भी तुम्हें कहूंगा वो तुम किसी को नहीं बताओगे। ओके सर। दया को भी नहीं। ठीक है सर। अभिजीत, अब तक हमारे 2 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। 2 लोग मारे जा चुके हैं? हाँ अभिजीत, 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। लगता है इन क्राइम सिंडिकेट्स को, इन गैंग्स को पता चल गया है कि CID ऑफिसर्स गैंगस्टर्स बनकर उनके अंदर घुस गए हैं। मगर सर, पता कैसे चला उनको? वो ऑफिसर्स कौन है ये बात तो सिर्फ आपको ही मालूम है। अभिजीत, और एक आदमी है, और एक आदमी जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन सा? फिलहाल मैं उसका नाम नहीं बता सकता तुम्हें, मगर अभिजीत तुम तो जानते हो कि मेरे बाद अगर मैं किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो वो तुम हो। जान दे दूंगा सर, लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। क्या करना है मुझे? आज रात तुम्हें एक पब में जाना होगा। उस पब का नाम है द पब। द पब। माल लाया है? हाँ लाया। तो दे पहले पैसे। गोली नहीं चलाना है, जिंदा पकड़ना है इनको। जैसा आप कहें। जल्दी
ले जा, ले जा। अभी मैं क्या बोलूंगा एसीपी साहब को? चलो गाड़ी में डालो ने। अरे इसे गोली कैसे लग? अभिजीत सर ने तो कहा था हमें इस पे गोली नहीं चलानी है। तो मर चुका है सर, लगता है इसके गैंग वालों ने ही इसे मारा। पर ये अभिजीत सर कहाँ है? अभिजीत सर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह अचानक कहाँ चले गए? तेजा के शरीर में से मुझे जो गोली मिली है ये किसी देसी कट्टे से चलाई गई है। देसी कट्टे से? ये देसी कट्टा तो तेजा की गैंग वालों के पास ही हो सकता है। मतलब तेजा को इसकी ही किसी साथी ने मार डाला? नो फ्रेडी, हो सकता है अभिजीत सर तेजा को पकड़ने के काफी करीब पहुंच गया हो, और इस बात से तेजा के गैंग वालों को लगा कि तेजा उनके लिए खतरा बन सकता है, और बस तेजा को मार डाला उन्होंने। और अभिजीत सर वो कहां चले गए? अभिजीत सर बची हुई गैंग वालों के पीछे गए होंगे। बहुत फिक्र हो रही है, कब से फोन भी नहीं लग रहा है। मार डाला तेजा को। मैंने कहा था अभिजीत को कि मुझे तेजा जिंदा चाहिए, जिंदा। फिर भी इतनी लापरवाही, गोली मार दी उसे। सर तेजा अभिजीत सर की गोली से नहीं मरा सर। हाँ बस, ये तेजा किसी देसी कट्टे की गोली से मरा है। हाँ सर, अभिजीत सर ने सबसे कहा था कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, और सर आपके कहने के मुताबिक किसी भी ऑफिसर ने गन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिजीत ने गोली नहीं चलाई, चलाई होगी उसने देसी कट्टे से। कहा है वो? कहा है अभिजीत? सर अभी कहा है ये पता नहीं सर, क्योंकि मोबाइल नहीं लग रहा है सर। डर गया होगा, प्रद्युमन का सामना करने से डर गया होगा अभिजीत। सालों के साहब, अभिजीत सर किसी से नहीं डरते, वो हमेशा अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करते हैं। हाँ सर, वो इस तरह से भागने वालों में से नहीं है। अभिजीत भागने वालों में से नहीं है, अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करता है, लेकिन इस बार अभिजीत अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। जिंदगी में पहली बार मुझे लगने लगा है कि अभिजीत को जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी, अभिजीत पर जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। चूक गया अभिजीत, गलती कर दी उसने, बहुत बड़ी गलती। लाश इधर है, लाश वो देखो, लाश अरे लाश नहीं है, एक और शराबी। न जाने इतना क्यों पीते हैं लोग, जो पचा भी नहीं पाते। चल सुबह हो गई। अरे यहाँ कैसे? अरे कैसे आया क्या, बार में ज्यादा पी ली होगी और घर आते आते गिर पड़ा होगा। अरे इतना क्यों पीते हो भाई, जरा सोचो तुम्हारे घर वाले रात भर तुम्हारे कितना फिक्र करते होंगे। ए, 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 अपने आप को संभालो मेरे भाई। मैं शराब नहीं पी है। मैं यहाँ कैसे आया याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, घर जाके ठंडे पानी से नहा लोगे तो सब तुम्हें याद आ जाएगा। अपना घर का पता तो याद है ना? हाँ। या फिर वो भी भूल गए? गए
वेर शायद सी स्कीम में है। शायद पक्का नहीं है। एक काम करो, लाइसेंस या राशन कार्ड है तुम्हारे पास? उसमें एड्रेस लिखा होगा। वो लाइसेंस लाइसेंस संभालो संभालो। मेरा पर्स कहाँ गया? अरे इसके पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे जाएगा? चलो पैसा ऑटो का भाड़ा दे देना। ओए रिक्शा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रिक्शा है लौटा देना, मेरी सफाई की ड्यूटी यहीं पर रहती है। आइए चल चल। ठीक है दादा, बैठ जाइए आराम से। थैंक यू वेरी मच। अरे यार ये जरा म्यूजिक बंद कर देना भाई। पता नहीं कौन सी सवारी बैठा लिया, रेडियो भी नहीं सुनने देता। जरा पानी पानी है तुम्हारे पास? ये लो। हाँ खून? हाँ खून, कहाँ है खून? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है। मुझे तो कहीं चोट लगी नहीं, फिर ये खून खून का निशान कहां से आया? बस बस यहीं रुकना भाई। मेरी याददाश्त भी धोखा दे रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद सरों के साथ बता सके किसका खून है ये। ये हो क्या रहा है? ना एसीपी सर का फोन लग रहा है और ना ही दया और अभिजीत सर का।
पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सर कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां भी होंगे ठीक होंगे। शायद किसी वजह से उन्हें अपना फोन ऑफ करना पड़ गया हो। सर थैंक गॉड सर, अब आगे कहां थे सर? हम सब बहुत परेशान थे सर। और सर आपका मोबाइल क्यों बंद है सर? मेरा फोन? हाँ सर, कल रात से कोशिश कर रहे, लग ही नहीं रहा। शायद बैटरी चली गई इसकी। लाइए सर, मैं इसे चार्जिंग पर लगा देता हूँ। हाँ लगा लगा दो। सर एसीपी सर दया सर कहाँ है? कहाँ है मतलब? सर उनके फोन में नहीं लग रहे। फोन नहीं लग रहा तो घर घर पे फोन किया उनके? हाँ सर घर पे ट्राई किया, लेकिन हमें लगा आप तीनों लोग साथ में होंगे। मैं तो कल रात से ही उनसे अलग हो गया था। कल रात को? लेकिन ऐसा क्या हुआ था सर कल रात को? आप वो रेड के बाद अचानक गायब हो गए? मुझे किसी ने एक्चुअली कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। सब सर ये पैकेट? ये कुछ नहीं, एक एविडेंस है, मुझे सालून के साहब को देना है। सर सालून के साहब तो क्राइम सीन पे, हम लोग भी वहीं जा रहे थे। क्राइम सीन? हाँ सर, एक गोडाउन में दो दो खून हुए हैं। खून? हाँ सर, किसी ने बड़ी बेरहमी से दो लोगों को कुर्सी पे बैठाकर गोली मार दी सर, इंदिरा नगर गोडाउन में। अब क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। कहाँ पे है गोडाउन? इंदिरा नगर गोडाउन सर। इंदिरा नगर गोडाउन में, चलो देखते हैं। अभिजीत आओ, ये देखो बॉस, बहुत ही बेरहमी से मारा गया इन दोनों को। कुर्सी पे बिठा के हाथ पैर बांध के उसके बाद गोली से मारा गया इन दोनों को। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? अभिजीत। ये सर बस गोली इन्हें सामने से ही मारी गई है, और इन दोनों के घाव ये बताते हैं कि खूनी इनसे ज्यादा दूर नहीं था। अरे देखो ये बुलेट शेल्स भी वहां पर पड़े हुए हैं, और ये जूतों के निशान। अभिजीत खूनी वहीं खड़ा था, वहीं जहां तुम खड़े हो इस वक्त। सर अगर खूनी यहां खड़ा था और गोली इन दोनों को कुर्सी से बांधकर यहां मारी गई, तो फिर खून यहां कैसे पड़ा है? यही तो गुत्थी है दुष्यंत, जो समझ में नहीं आ रही है। लगता है कुछ और लोग भी घायल हुए हैं यहां,
इस कमरे में इन दोनों के अलावा। सर शायद इन दोनों पे गोली चलाने वालों का हो सकता है। सर सर यहां पर मुझे दो और शेल्स मिले गोलियों के। What? ये देखिए यहां पे से। यहां से? हाँ। ओ, इसका मतलब है यहां पर और लोगों ने भी गोलियां चलाई है। शूट आउट हुआ है यहां पर। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन दो लोगों का खून मैं नहीं कर सकता। तो फिर मेरी पैंट पे वो खून किसका था? वो पैंट मैं डॉक्टर सड़ंगे को दूं या नहीं? नहीं, तारिका, तारिका, इधर। अभिजीत, तुम इस तरह चुपके चुपके? मुझे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतने घबराए से लग रहे हो। पता नहीं ठीक है या नहीं। ये इस पैकेट में एक पैंट है और उस पे खून लगा हुआ है। खून? हाँ। मैं चाहता हूँ तुम पता लगाओ, इस खून का डीएनए टेस्ट करो और पता लगाओ ये खून किसका है। हाँ हाँ, अभी करती हूँ, चलो लैब में। नहीं नहीं नहीं, लैब नहीं, लैब में नहीं जा सकता मैं। लैब में जा सकता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। लैब नहीं जा सकते मतलब? मतलब तारिका, मतलब ये कि जो जो कुछ भी बातचीत हमारे तुम्हारे बीच हुई है वो सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए, सारों के साथ को पता नहीं चलना चाहिए। क्या? क्यों? मगर क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ। सालों के साथ को तो तुम जानती हो, पीछे पड़े रहते हैं मेरे। उनको तो बहाना चाहिए मेरे मेरे रास्ते में कांटे बिछाने का। अभिजीत, सालों के साथ मेरे बॉस है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। वैसे चुपके चुपके काम नहीं कर सकती। फिर चाहे उस बात का सीधा सीधा असर मुझ पे पड़े तो भी नहीं। देखो अभिजीत, हमारा रिश्ता अपनी जगह और सीआईडी की ड्यूटी अपनी जगह। प्लीज दोनों को मिक्स मत करो ऐसे। अच्छा अच्छा, ये पैंट है किसकी? मेरी। तुम्हारी?
और इस पे जो खून लगा हुआ है वो? अरे मुझे पता, और मुझे नहीं पता तारिका वो खून किसका, नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहता टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसका टेस्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करना जिस पे मैं खरी ना उतर सकूं। तुम सड़ों के साहब को ये बात बताना चाहती है तो बता देना, लेकिन पहले पहले मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, लेकिन सिर्फ सारों के सर को ही नहीं, मुझे एसीपी सर को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मगर एसीपी साहब हैं कहाँ? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन लग ही नहीं रहा है। हाँ साहब, क्या चाहिए? देखो भैया, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया चाहिए, वो भी लाल रंग का। 10 रुपए का तौलिया? हाँ। क्या मजाक करते हैं साहब, ये तो राशन की दुकान है, कोई तौलिया की नहीं। और वैसे भी आज के जमाने में 10 रुपए में रुमाल नहीं आता, और आप उतने में तौलिया चाहते हैं। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया ही चाहिए, और वो भी लाल रंग का। तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझे 10 रुपए वाला ही तौलिया चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा या आपको नहीं आ रहा, जाइए किसी कपड़े की दुकान में देखिए। अरे बड़े बदतमीज, ये कोई तरीका हुआ ग्राहक से बात करने का? माफ कीजिएगा साहब, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए ना साहब, लाल रंग का तौलिया मांग रहे हैं, वो भी 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ जी, 10 रुपए वाला लाल रंग का तौलिया लाइए, नोट दीजिए। एक मिनट, क्या हुआ सेठ जी, क्या दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो अपना काम करो। 90V 869890। एक मिनट, ले लीजिए आपका तौलिया 10 रुपए का। थैंक यू। लाल रंग का तौलिया, ये कब से रखने लगे हम अपनी दुकान में, और तौलिया लिया भी नहीं। जो बात तू नहीं समझ पाएगा वो मत पूछा कर, जा तौलिया ले, बाहर सुखाने के लिए लटका दे। क्या पागल? अरे पर ये तो सूखा हुआ ही है, गीला कहाँ है? अरे कहाँ ना, तू नहीं समझ पाएगा, जितना बोला जाए उतना ही किया कर। नहीं होता बर्दाश्त, थक गया हूं मैं दोहरी जिंदगी जीते जीते, पता नहीं कब घर जाना नसीब होगा। सालों बीत गए अपने रेखा को नजर भर कर देखे हुए, सालों बीत गए, मैं बेटा भी हम काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ काफी बड़ा हो गया होगा, जब घर छोड़ा था तो उस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पाता था, पता नहीं किस हालत में होंगे वो दोनों। अरे ये क्या, वो दिन आ गया, इसका मुझे सालों से इंतजार था। लाल तौलिया, लाल तौलिया, लाल तौलिया, लाल मतलब लाल तौलिया क्या मतलब है? लाल 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 यानी मालाड़, मालाड़।
रुको 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 भैया, मलाड जाना है। मलाड नहीं, कोई और रिक्शा पकड़ ले। अरे क्यों नहीं जाओगे मलाड, हैं? ऐसे परेशान करते हो आम लोगों को, चलो। अरे जाके कंप्लेंट कर दो, मुझे मलाड नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाना है, एक काम करो पुलिस स्टेशन चलो, हैं? अरे नहीं सब, नहीं सब बैठियो। जाओगे ना मलाड? हाँ। मीटर डालो, चलो जल्दी। मलाड जरा, मलाड कबूतर मलाड की तरफ निकला, चल जल्दी। केतन ने लाल टॉवल देखा भी है या नहीं? अगर देख लेता तो अब तक आ जाना चाहिए था। निकेतन कहाँ रह गया ये निकेतन? कितना हुआ? 150 रुपए। चल तू 200 रख। 200 क्यों? आज क्या कोई त्योहार है क्या? हाँ, आज अपन का स्वतंत्रता दिन है। आज इसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस वो तो 15 अगस्त को आता है, तू नहीं समझेगा। चल जाने दे, तो ऐश कर।
अरे बाप रे, देखो अरे ऐसे कैसे कोई दिल दहाड़े गोली मार के चला गया? अरे किसी ने देखा क्यों? कौन था वो? कौन ने देखा? वो देखा किसी ने? किसी ने देखा उसके? कौन था वो? गोली मार के चला गया। देखो दिन दहाड़े, अब तो इस शहर में एक पल भी बिताना मुश्किल हो गया है। वही तो, दिन दहाड़े लोगों का खून हो रहा है, बीच सड़क पे खून बहाया जा रहा है लोगों का। गोली मारी है, बेचारे को कोई बचा नहीं सका। देखो यार, मर जाएगा बेचारा यार। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ भाई, कोई For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.